मैं तो मैं हो गया, मैं कबड़िया बाजार में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है बॉस आपका? मेरा नाम अनवर खान। अनवर खान जी, कहाँ से पधारे हैं आप? हम फलोदी। ओके, तो ये जो आप लेके आए घोड़े, कितने लोग को सेल के लिए लेके आए? सारे कुछ रेसिंग के लिए? सेल के लिए, रेस के लिए। अच्छा। हाँ। जो रेस के लिए वो भी सेल के लिए? हाँ। अच्छा। हाँ। तो इसके बारे में बताएं। ये प्योर सिंधी है, अभी 24 महीने का बच्चा है। अच्छा। अभी 30 चलता है। 30 चलता है, प्योर सिंधी है। अभी 22 महीने का बच्चा है। 22 महीने का बच्चा, बहुत अच्छा चलता है। और पार्टियां आ रही हैं, देख रही हैं। अच्छा, नहीं सुंदर भी है और अच्छा है। हेल्दी भी बहुत। हाँ, है, बहुत क्यूट है। हाँ, 11 लाख रुपए बोल रहे हैं। अच्छा, सही रेट में आएंगे तो देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे तो 25 के आसपास होगा तो देंगे। नहीं बिल्कुल, दर को जा, दर को। और दूसरा? हाँ, मैं दर को था। ये भी एक प्योर सिंधी है और ये बच्ची अभी 15 महीने की। बहुत अच्छी बच्ची है। बहुत क्यूट। बहुत सही। ये भी सेल के लिए? हाँ, सेल के लिए। एक ही घोड़ी के जी? एक ही घोड़ी के। अच्छा। हाँ, 47 साल की घोड़ी है। ओहो, घर के है, उनको तो बेच नहीं सकते। क्या बात है, अलग अलग घोड़े से। हाँ। ये भी बच्चा अभी 3 साल का है। हाँ। मैंने अभी बकर कुछ सूरत में दिया था, फौजी घोड़ा, वाइट, उसका भाई। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा चलता है, 35 चलता है। अच्छा। बहुत मतलब चलने वाले घोड़े। हाँ, चलने वाले घोड़े। प्योर सिंधी चलने वाले घोड़े। बहुत सब आपके घर के ही हैं? हाँ, घर के घोड़े के। एक फौजी का भाई। ओके, और आइए। बस ये 40 चलता है। अच्छा। हाँ, प्योर सिंधी 40 चलता है। बहुत अच्छा घोड़ा है। और बताइए। ये भी 40 चलता है। अच्छा। प्योर सिंधी। बहुत बस आओ ऐसे डरने का नहीं। बहुत क्यूट घोड़ा, प्योर सिंधी, पूरी ना चीज रखते हैं, ब्रांड चीज। हाँ, सब वो ना देसी घी, सब बिल्कुल वही में करता है। किसब किसब हेल्दी हैं। हाँ। और चमकदार शरीर वाले हैं। पूरे माखन को गर्म करते हैं, पूरे माखन को गर्म। ओहो, माखन होता है माखन। हाँ। उसको गर्म, पहले तो माखन ही होता है। हाँ। उसके बाद में घी होता है। हाँ हाँ, तो उसको आप गर्म करके देते हैं। बहुत अच्छा। और इन सबकी केयर कौन करते हैं? सब पे आदमी रखे हुए। हाँ, हाँ, हाँ। और आपके गाइडेंस में? हाँ। सब काम करते। हाँ, हैं। सब काम करते हैं। इस बच्चे को तो बॉज में था। हाँ। ये छोटा था, 7-8 साल का, तब इसको घोड़े को शौक लगा। घोड़े पे लगा और इसको घोड़े से मोहब्बत है। नौकरी पे जाने नहीं दिए। इसका ऑफर आया था। हाँ। विदेश जाने के लिए। हाँ। लेकिन ये मेरे को ये घोड़े पसंद है। हाँ, 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 हाँ। 1,00,000 रुपए सैलरी इनका बोल दिया। अच्छा। तो हमने जाने नहीं दी।
कैप्टन साहब का दोस्त है। इसके बारे में बताएं कुछ। ये अपने घर की घोड़ी का है। अच्छा। और 2 साल 21 महीने। ओके। अभी इसको चढ़ करके सिर्फ चलने के लिए तैयार किया है। अच्छा। सवार वगैरह चढ़ा करके अभी इसको किया नहीं। ओके। रेस के लिए बना रहा है। रेस के लिए बना रहा है। तैयार कर। तो आप तो मतलब कब से ही इसमें लगे हुए? 50-60 साल? नहीं, मैं पहले आर्मी में सर्विस कर रिटायर हो गए, मुझे 30-31 साल हो गए। हाँ। पहले भी घर में रहते थे, पर मैंने रिटायरमेंट के बाद में थोड़ा इसको बढ़ाया। अच्छा। अभी हमारे पास 8-9 घोड़िया है। अभी यहाँ 5 लाए। तो सिंधी घोड़ों में आपने ज्यादा काम किया है ना? सिंधी घोड़े हमारे इधर सिंधी घोड़ों का ही प्रचलन है। इधर पूर्व में उधर है जो लोग दूसरी की मारवाड़ी घोड़ों को पसंद करते हैं, पर यहाँ जो बालोतरा में ज्यादा जो दबदबा है वो सिंधी घोड़ों का। ये चलने के लिए अच्छी स्पीड में चलते हैं, मजबूत है, थोड़ी बहुत तकलीफ भी सहन करने की क्षमता है। सिंधियों का जो क्या इनकी मार्केट कम होती आ रही बढ़ती आ रही है? नहीं, सिंधी की मार्केट बढ़ रही है। और इनके सिंधी घोड़ों के जो प्रचार प्रसार के लिए आप अपने स्तर पे आप क्या करते हैं, जिससे कि इनकी ब्रीड बनी रहे, इनका शौक बना रहे? नहीं, इसके लिए हम कोई विशेष तौर से कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट वगैरह तो नहीं करते। नहीं, किसी भी तरह का, किसी भी स्तर पर प्रयास। ये एक मेला है और जैसलमेर में मेला लगता है, तो वहाँ पर ज़्यादा नहीं, 100% जैसलमेर और यहाँ भी आप देखो जितना भी ये है सिंधी घोड़े हैं और इन्हीं की डिमांड रहती है। बिल्कुल। विशेषकर इसके खरीदार है वो यूपी और गुजरात के जो लगाते हैं, अच्छा पैसा देते हैं, और कुछ तो इधर आगे भी रेशों के अंदर इनकी है। अच्छा। अहमियत है। अच्छा। इसलिए लोग विदेश में कोई एकाध घोड़ा गया सिंधी? नहीं, विदेश में कोई गया तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जैसे पाकिस्तान में सिंधी घोड़े चलते हैं? हाँ, पाकिस्तान में भी वो वीडियो में देखते हैं कि वो सिंधी घोड़े उधर भी, वो पाकिस्तान में पूरी सिंधी घोड़े, मारवाड़ी घोड़ा वहाँ पर नहीं, क्योंकि वीडियो में तो देखते हैं, अगर कोई होगा तो पता नहीं। हाँ। वीडियो में जो इतना भी नजर आ रहे हैं वो सब सिंधी है। एक दर्शन घोड़े का मैं सुनता हूँ, मारवाड़ी घोड़ा दर्शन वहाँ का। ओके। तो आप जैसे सिंधी घोड़े के लिए आप जैसलमेर जाते हैं और यहाँ भी आते हैं, और गवर्नमेंट से आप क्या कहना चाहते हैं सिंधी घोड़ों के बारे में, क्या आप उनसे अपेक्षा रखते हैं? गवर्नमेंट से अभी तक तो कोई ऐसा विशेष, बिल्कुल ही कोई ऐसा ऐड या कोई ऐसी सुविधा नहीं है। ये लोगों के अपने खुद के लेवल पर चल रहा है, और गवर्नमेंट क्या देगी, कुछ नहीं। नेते लोग आते हैं, झूठ बोलते हैं, और ऑन ग्राउंड तो ऐसा कुछ होता है, इसलिए उनसे कोई उपेक्षा रखना भी कोई मतलब नहीं है। मतलब ये, और उनके भरोसे रहकर हाथ पाथ बंद रखना भी ये भी एक जरिया है कि इनसे जो एड्स मांगना ये वगैरह, वो एक तरह के भिखारी की तरह, भीख मांगने की तरह। हाँ। जो कुछ अपना खुद का करो। हाँ, बिल्कुल। नहीं, जैसे हाँ, खुद ही करो, सही बात है। गवर्नमेंट ने ऊँटों के लिए जो किया है वो ना के बराबर है। आज ऊँटों की बहुत बुरी हालत है, जो पहले बिकते थे ना तब तो थोड़ी उनकी कदर थी। हाँ। अभी ऊँट बिक नहीं रहे। बिल्कुल। वो राष्ट्रीय पशु में लेने की वजह से वो बिक तो रहे नहीं। हाँ। और ऐसे ही घूम रहे। उससे पहले ऊँट ऐसे नहीं घूमते। तो वो गवर्नमेंट क्या मतलब, एक बार वो किसी को 10-10 हजार रुपए दिए, 5-10 को एडवर्टाइजमेंट कर दिया, गवर्नमेंट ये कर रही है, कुछ नहीं। आप क्या कुछ कदम उठाने का कुछ सलाह दे सकते हैं, क्या हो सकता है एक आध कदम? नहीं, गवर्नमेंट ने विशेषकर जो ऊँटों का मामला है उसमें कुछ सुधार का कुछ करना चाहिए, नहीं तो वो लिप्त हो जाएगा। जैसे कोई स्पेसिफिक स्टेप बताएं, कोई बिल्कुल स्पेसिफिक, ये जो पहले बिकते थे वो प्रतिबंध हटा देना चाहिए ताकि उनकी कदर बढ़े, ताकि लोग उसकी परवरिश भी करें ऊँटों की। ओके और बढ़ाए। अब वो नहीं होने से कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, बिकते ही नहीं है, बहुत कम। अब जिन लोगों के पास में 50-50 60-60
ऊँट टोले थे वो रो रहे हैं। अभी चारों तरफ जो सिंचाई वाला हो गया है, खेती सिंचित हो गई, उसकी वजह से वो कांटेदार तार की तारबंदी फेंसिंग कर रखी है, ऊँट जाते हैं उसमें फंसते हैं और ज्यादा ही किसी के खेत में कोई जाता है लोग पकड़ करके उनका पाँव बांध देते हैं। ये बात भी बहुत बुरी कंडीशन है। मैं ऐसी तरीके से कि अभी आपका ऊँटों के बारे में इतना विचार है, आपके क्या आपके दिल में कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है ऊँटों के प्रति? अब सॉफ्ट कॉर्नर अगर है तो भी क्या कर सकते हैं कि नहीं, कैसे मतलब आप ऊँटों के बारे में खर्चा करके उनको पाले और उसके बाद में उसका वो नहीं मिले। जैसे मसलन जैसे ये घोड़ा है मसलन, ये इसका रोज का 60 रुपए का तो दाना दे देते दाना दे। और कम से कम 40 रुपए का चारा खा लेता है, 100 रुपए वो ऊपर से एक आदमी सब पूरा एक साल का खर्चा देखो और उसके बाद में अगर हम ये खर्चे का हिसाब संभाले तो इनकी कीमत में मिल ही नहीं सकती। तो इसलिए हमारे लिए यही होता है कि अभी हम कहीं पर जा करके कोई लेबर वर्क नहीं कर सकते, पर ये एक तरीके का इनके पीछे कुछ तो मिल रहा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये पर विशेषकर ऊँट और गायों के बारे में भी जो जितना भी ये मैं मौजूदा एक गौशाला का संचालन कर रहा हूँ, मेरे गाँव में मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ऊँट और गाय इन दोनों के लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, अगर इसमें अनुदान मिले। अभी देख लो, अब यहाँ आप मेले में देख लो कितने आवारा पशु घूम रहे हैं। बिल्कुल घूम रहे हैं और लोग भी क्योंकि बिक नहीं रहे, पहले बैल वगैरह बिकते थे, अभी उसके बाद में ट्रैक्टर आ गए तो वो बैलों का प्रचलन खत्म हो गया। तो वो ऐसे ही जिसकी गाय दूध देती है तब तक उसको रखते हैं, उसके बाद में उसको फल जो बचा है उसको बगा देते हैं और फिर वो भूख मरता हुआ दर दर की ठोकरें खाता है। अभी मौजूदा मेरे गांव में मैं जिस गौशाला का संचालन कर रहा हूँ, मेरे पास 150 पशु है। अभी तक गवर्नमेंट से अनुदान नहीं है, लोगों का आगे जा करके हाथ फैलाते हैं कि दो कुछ दो, कोई चारा देता है कोई पैसा देता है, तब उनको ये चला रहा हूँ। इसी तरीके से ऊँटों की है, एक टाइम था ऊँटों का जिसके घर के आगे ऊँट होता तो पता लगता कि ये अच्छा घर है, अच्छा अच्छा, पर आज के टाइम में ऊँटों का बिक नहीं रहे। अगर ये बेचने का प्रतिबंध हटा दे तो लोग इनको खरीदें और शौक बढ़े, और उसकी देखभाल भी हो। अब नहीं बिकने की वजह से आज वो भूख मर रहे हैं, आवारा घूम रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। एक टाइम था ऊँटों का, अभी ये बहुत कम हो गया। अभी थोड़ा बहुत हरियाणा वगैरह में कोई ये लेते हैं तो अभी इधर तो कोई मतलब उसका वो बिक नहीं रहा है और उसका रोज का 50-100 रुपए का खर्चा कहाँ से उठाए। इसलिए गवर्नमेंट को सिर्फ ये ऊँट और गायों के बारे में सोचना चाहिए, ऐसे झूठे नारे गौ माता है ये। और जैसे ये राजकीय है, अपना पशु भी है, तो उस हिसाब से उसको सोचना चाहिए, उसको सोचना चाहिए, या तो उसको वो दर्जा नहीं देना चाहिए। तो हम भी उम्मीद नहीं कर रहे कि चलो ठीक है। अभी अगर एक मान लिया कि आप एक ऑफिसर है तो हमें पता है कि एक ऑफिसर है तो हम उस हिसाब से ट्रीट करेंगे, आपको बैठने के लिए नीचे बैठेंगे, आपको वो जगह। सही बात है ना, जब यही चीज है ही नहीं तो अगर ये राज्य पशु घोषित ना हो तो हम भी नहीं सोचेंगे। और राज्य पशु घोषित करने के बाद में उसका अनादर हो वो चीज फिर उसकी बेइज्जती हो रही है, वो अच्छा नहीं लगता, वो एक अच्छा नहीं लगता। सरकार से निवेदन है कि ये गाय और ऊँट के बारे में सोचे क्या करना चाहिए। वैसे तो ये एक ऊष्ट संस्थान भी है अपने बीकानेर में, तो अब वो करते तो नहीं, कुछ तो करते ही होंगे संस्थान है, तो कुछ उनके प्रोडक्ट बेचना और सब एक संस्थान। हाँ, एक संस्थान कितना कर लेगा, इतना बड़ा इलाका है और ये पशु बाहुल इलाका है, यहाँ पर जितनी गाय, आज मैं बता रहा हूँ कि मेरे गांव में अगर मैं और गायें लेना चाहूँ तो 2 दिन के अंदर वहाँ 500 हो जाए वो 500, क्योंकि इधर पशु बहुत है, गाय सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो वो सरकार को सोचना चाहिए इन दोनों पशुओं के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन जी, आपने बहुत अच्छे विचार दिए, हम इसको जरूर आवाज पहुंचाएंगे। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और आप फोन नंबर दे दें जिससे कि कोई कांटेक्ट करना चाहे। मेरा फोन नंबर है 9982867299। कैप्टन हुसैन खान। ओके।
बलोत्र मेले की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।